हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीताकिनो.com। गीताकिनो.com में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं ओरियो आइसक्रीम, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। इससे पहले भी मैं बहुत सारी आइसक्रीम की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप वो रेसिपीज देखना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसे बनाने से पहले, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल आइकन दिखाई देगा जिसे आपको ज़रूर क्लिक करना है, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर मेरी वीडियोज़ को, रेसिपीज़ को ट्राई करते हैं तो कमेंट ज़रूर करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ 250 ग्राम फ्रेश क्रीम। ये बिल्कुल ठंडी क्रीम है, मैंने इसे 6-7 घंटे फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के लिए। कभी भी नॉर्मल टेम्परेचर पर या गर्म क्रीम को कभी ना बीट करें, क्योंकि वो फट सकती है। तो मैंने इसे 6-7 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था, जिससे ये बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। तो ये मैंने क्रीम निकाल ली है बाउल में। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ घर का बना हुआ कंडेंस मिल्क। ये 1/3 कप है। 250 ml क्रीम में मैंने 1/3 कप कंडेंस मिल्क डाल रही हूँ मैं इसमें। और कंडेंस मिल्क भी आप घर पे बना सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये सिर्फ 5 मिनट में तैयार हो जाती है, बहुत ही आसान है कंडेंस मिल्क बनाना। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ वनीला एसेंस। तो हम करीब 1/2 टीस्पून के करीब वनीला एसेंस ऐड कर देंगे। और अब हम इसे इलेक्ट्रिक बीटर से बीट करेंगे। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप इसे ब्लेंडर में भी बीट कर सकते हैं, तो ब्लेंडर में भी बहुत आसानी से बीट हो जाता है। तो हम इसे अच्छे से बीट कर लेंगे जब तक ये बिल्कुल मिक्स ना हो जाए, अच्छे से बीट ना हो जाए। तो पहले मैं इसे लो स्पीड पर करूँगी, फिर स्पीड को मैं बढ़ा दूँगी, हाई पे कर दूँगी, और इसे अच्छे से बीट कर लेंगे। और जितना हम इसे बीट करेंगे, जो हमारी आइसक्रीम है वो उतनी ही क्रीमी बनेगी। तो ये मैंने इसे अच्छे से बीट कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर लिया है एक एयर टाइट कंटेनर। मेरे पास ये अमूल आइसक्रीम का एक बॉक्स पड़ा हुआ था, तो मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी एयर टाइट कंटेनर ले सकते हैं। हम इसमें ये मिक्सचर ऐड कर देंगे, मिक्सचर डाल देंगे। तो ये देखिए, मैंने इसमें मिक्सचर ऐड कर दिया है। इसे हम क्लिंग रैप से कवर करेंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी एयर ना जाए, क्योंकि अगर इसमें एयर जाएगी तो आइस क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाएंगे, बर्फ जम जाएगी, और हम नहीं चाहते कि बिल्कुल भी इसमें बर्फ जमे। तो यहाँ पे मैंने ये क्लिंग फिल्म लगा ली है। आप एल्यूमिनियम फॉयल लगा सकते हैं या फिर कोई प्लास्टिक की शीट पड़ी हो, किसी भी चीज़ से आपको इसको अच्छे से सील करना है, इसमें बिल्कुल भी हवा नहीं जानी चाहिए। तो ये मैंने ढक्कन लगा दिया। इसे मैं 1 से 2 घंटे के लिए पहले फ्रीज़र में रखूँगी, और 1 से 2 घंटे बाद हम इसे निकाल लेंगे। तो मैं इसे फ्रीज़र में रख देती हूँ। और यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 पैकेट ओरियो बिस्किट। तो इसे हम क्रश कर लेंगे, इसका चूरा कर लेंगे, जब तक हमारा जो आइसक्रीम है वो सेट हो रही है। तो हम इसका चूरा करके रख लेते हैं। तो इसे हम छोटा छोटा तोड़ लेंगे, इसे छोटे छोटे पीसेस में कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमें इसे क्रश कर लेना है। मैं इसे बेलन से कर रही हूँ, आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। बस आपको इसे मिक्सी में पीसना नहीं है, बिल्कुल बारीक नहीं करना है, इसे मोटा मोटा ही रखना है। तो ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से क्रश कर लिया है। तो अब हम इसे किसी बाउल में, किसी बर्तन में निकाल कर रख लेंगे। तो मैं इसे रख लेती हूँ, और ये करीब 1 से 2 घंटे हो चुके हैं। इसे हम देख लेते हैं, इसे चेक कर लेते हैं। तो ये हल्की हल्की सी जमनी शुरू हो गई है, बहुत ज़्यादा नहीं जमी है। अब इसमें हमने जो बिस्किट का चूरा बनाया था वो ऐड कर देंगे। इससे ये जो आइसक्रीम है बहुत ही टेस्टी लगती है। इसमें जब ओरियो के बिस्किट मिक्स हो जाते हैं तो इसका टेस्ट दुगना हो जाता है, बहुत ही बढ़िया लगते हैं। तो इस तरीके से हम इसमें ये क्रश किए हुए बिस्किट मिक्स कर देंगे। और इसकी क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितने भी आप बिस्किट मिलाना चाहते हैं तो अपने हिसाब से मिला सकते हैं। तो मैंने थोड़े से बिस्किट बचा लिए हैं गार्निशिंग के लिए। तो इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। ये देखिए, इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर देंगे हम, और फिर से इसे कवर कर देंगे।
तो मैं इस पे फिर से ये क्लिंग फिल्म लगा देती हूँ ताकि इसमें बिल्कुल भी एयर ना जाए और इसमें बिल्कुल भी बर्फ़ ना जमे, हमारी आइसक्रीम बिल्कुल क्रीमी बने। तो मैंने इसे फिर से कवर कर दिया और फिर से लिड लगा देंगे, ढक्कन लगा देते हैं और इसे अब हम 8 से 10 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे जमने के लिए। तो मैं इसे पूरी रात के लिए फ्रीज़र में रखने वाली हूँ। तो मैंने इसे पूरी रात तक फ्रीज़र में रखा था जमने के लिए और अब चेक कर लेते हैं हमारी आइसक्रीम कैसी बनी है। तो ये मैंने ढक्कन हटा लिया, अब चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारी आइसक्रीम बिल्कुल सेट हो चुकी है। तो हम इसे सर्व कर लेते हैं। मैं इसे इस सर्विंग बाउल में सर्व करूँगी। तो हम निकाल लेते हैं इसे। तो बहुत अच्छे से जम चुकी है हमारी आइसक्रीम। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितनी क्रीमी आइसक्रीम बनी है। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही टेस्टी आइसक्रीम बनती है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बनाना भी बहुत आसान है और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसे बनाने में। सिर्फ जो टाइम लगता है वो जमने में लगता है, बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। और खाने में बहुत ही टेस्टी होती है, बहुत ज़्यादा क्रीमी होती है। तो ये हमारी ओरियो आइसक्रीम बिल्कुल रेडी हो गई है। थोड़ा सा ऊपर से गार्निश कर देते हैं ओरियो बिस्किट के इस चूरे से। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें।